स्टार्ट। रोटी कपड़ा ते मकान मनुख दियां मुढ़लियां लोड़ां हन। डंडी इन्हां विचों मकान अहम स्थान रखदा है। डंडी अपना सुंदर मकान हर मनुख दा सुपना हुंदा है, जिस दी पूर्ति लई ओह सारी उम्र मेहनत करदा है। डंडी अपने जीवन विच आम करके ओह एक वार ही मकान बना सकदा है। डंडी इस लई मकान बनाउण समें दुनियादारी अते कबीलदारी दियां होरना सहूलतां नूं वी मुख रखणा पैंदा है। डंडी जिथे आप हर रोज काम करन जाणा होवे, उस संस्था जां दफ्तर दा उस थां तों फासला वी देख्या जांदा है। डंडी इसे तरह ही बच्चियां दी पढ़ाई दे स्कूल जां कॉलेज, हस्पताल, बस स्टैंड जां रेलवे स्टेशन अते बाजार दी दूरी नूं वी ध्यान विच रखणा पैंदा है। डंडी घर तों इन्हां तक आवाजाई दे साधन वी सस्ते ते चंगे होने जरूरी हन। डंडी रिक्शा, टैंपू जां लोकल बसां दा समें सिर मिल जाना वी इक बहुत वड्डी गल है। डंडी जेकर अपने कोल साइकल, स्कूटर जां कार होवे अते बच्चियां दी कोई खास समस्या ना होवे तां शहरों बाहर कुछ हटवी आबादी विच ही घर बनाउणा चंगा रहिंदा है। डंडी मकान बनाउण तों पहलां इह निश्चित करना चाहीदा है कि किस तरह दे किन्ने कमरिआं दी जरूरत है। डंडी रसोई, गुसलखाना अते सौण दा कमरा हरेक मकान विच होणे चाहीदे हन। डंडी इस तों बिना खाना खाण दा कमरा, बैठण पढ़ाई करन लई कमरा, स्टोर, गैरेज आदि कमरे भी बनाए जा सकदे हन। डंडी पैरा मकान उसारी तों पहलां जे किसे वधिया आर्टीटैक्ट तों नक्शा तैयार करवा लिया जावे तां होर भी अच्छा रहिंदा है। डंडी इस नाल घट तों घट खर्च विच योग आकार दे कमरियां दी वधिया तरतीब वाला सुंदर मकान बनाया जा सकदा है। डंडी कोशिश कीती जावे कि सारी उसारी इक्को वार ही मुकम्मल हो जावे तां जो जोड़ां दी लीकेज दा खतरा ना रहे। डंडी ड्राइंग रूम मकान दे अगले हिस्से विच खाना खाण वाला कमरा अते स्टोर, रसोई दे नेड़े गुसलखाना ते सौण वाला कमरा ड्राइंग रूम दे नज़दीक पर रसोई तों दूर होण। डंडी गुसलखाना ते रसोई एक दूजे दे आमणे सामणे ना होण। डंडी कमरिआं नूं तरतीब विच इस तरह दित्ती जावे कि धुप अते ताजी हवा सारे कमरिआं विच पहुँच सके। डंडी मकान दे अगले अते पिछले पासे बरामदा रख्या जावे जिथे घाह अते फुल लाए जा सकन। डंडी क्योंकि मकान वार वार नहीं बनाए जा सकदे, इस लई इस नूं इक्को वार बहुत सोच समझ अते योजना अनुसार बनाउणा जरूरी है। डंडी